हम और हमारे वालिदैन, इतना प्यारा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम कई दिन लगाकर बात कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, अपने वालिदैन को उनके बुढ़ापे में सिर्फ इज्जत नहीं देनी होती, अपने वालिदैन की कदर सिर्फ उस वक्त नहीं करनी होती जब हमें दुनियावी लिहाज से ये नजर आना शुरू हो जाए कि अब ये बीमार रहने लग गए हैं, अब ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, अब ये अपनी उम्र का मेजोरिटी हिस्सा, जो हमें कुदरती तौर पर मेजोरिटी हिस्सा नजर आता है, वो गुजार चुके हैं। सिर्फ इन मौकों को देखकर माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करनी होती, सिर्फ इन मौकों को देखकर माँ बाप की कदर नहीं करनी होती। हम और हमारे वालिदैन एक ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता अल्लाह और बंदे के बाद इस जमीन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन रिश्ता बनाया गया है। माँ बाप की मोहब्बत बेलौस होती है, सेल्फलेस होते हैं, और माँ बाप को इससे फर्क नहीं पड़ता कि औलाद उनको कितना रिस्पेक्ट देती है। माँ बाप सेल्फलेसली औलाद से मोहब्बत करते हैं। हमारा काम है कि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। अगर आपके वालिदैन आपके मुताबिक आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं भी कर रहे, इवन देन वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट। अगर आपके